चार्टर्ड चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ध्रुव बालदे और मैं एक सीए ड्रॉप आउट हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा है वो मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनके बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं या जो बहुत बार फेलियर देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। अब आप उस चीज़ से रिलेट करेंगे अगर आपके बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं कि जब 3 या 4 अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट हो गए ना, तो हमने एक्चुअल में सब पढ़ लिया है और हमको सब आता भी है पर हम पास नहीं हो रहे हैं। ये इशू होता है ना कि मेरे को तो सब आता है, मैंने सब पढ़ लिया है बट मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। तो जब आपका तीसरा अटेम्प्ट आया है, चौथा अटेम्प्ट आता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, मुझे तो आता है सब। जब आप प्रैक्टिस मैनुअल खोलते हो तो हर क्वेश्चन आपने 2 बार टिक कर रखा है, पूरी प्रैक्टिस मैनुअल आपने पेन पेंसिल से बिल्कुल भिगा दी है, सब कुछ एकदम करके रख रखा है, फिर भी आपको वापस वही चीज़ करनी है। तो आपको मन लगता है कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, अगर लेट पास होता हूँ तो क्या मैं, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं अच्छा सी हूँ या ख़राब सी हूँ, सारी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, राइट। बट उस टाइम पर आपको इस चीज़ को समझना है कि अभी आप मोटिवेटेड नहीं हो, अभी आप परेशान हो, आपने पढ़ाई सारी कर ली है पर आपका इशू क्या है, उस इशू को पकड़ के आपको चलना है, ठीक है। कि इशू है कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। अब पास नहीं हो पा रहा हूँ कि कोर में जाओ और समझो कि क्यों नहीं हो पा रहे हो पास। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। शायद हमने पहले बात करी थी कि आप शायद अपनी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, शायद आपके टाइमिंग सही नहीं बैठ रहे हैं, शायद आपके एक्चुअल में आपकी पढ़ाई, मतलब जो कोई सब्जेक्ट है जो एक्चुअल में आपको समझ में नहीं आया आज तक, हो सकता है चौथा अटैम्प्ट भी चल रहा है तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट की बेसिक सभी का क्लियर नहीं हो, शायद इसलिए फेल हो रहे हो। तो कोर को समझो अपने, है ना। और वापस से पढ़ाई स्टार्ट करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा, आपको सीए के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो आप कम टाइम के लिए रोज़ करते हो, जो आपको वो खुशी देती है, जो आपको वो रिक्रिएशन की फीलिंग देती है, तभी आप उस चीज़ को करने के बाद अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। मैंने ऐसा अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपका डेली जो टास्क है जो आप दिन भर करते हो उसको करने के बाद आप जब एक और चीज़ एक्टिविटी करते हो ना बाकी थोड़ा टाइम के लिए, तो आपका जो मेन टास्क है उसमें भी आप इम्प्रूव करते हो। यानी कि आप अपने एक रूटीन सेट कर रहे हो कि मैं ये करता हूँ इस चीज़ के लिए, ये गोल के लिए, और मैं फिर मैं ये करता हूँ मज़े करने के लिए, ठीक है। तो जब आपके 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप परेशान हो क्या सही है क्या गलत, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि पढ़ाई जो अपनी करनी है वो तो करनी है, उसके साथ साथ एक और ऐसी चीज़ डेवलप करनी है, एक और ऐसी छोटी सी चीज़, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो जिमिंग हो, 1 घंटा निकालो या कुछ करो और उसमें वो चीज़ को अच्छे से करो। तो आप जब यहाँ फोकस करोगे ना तो आपका अपने आप अपनी सीए स्टडीज़ में भी फोकस जाएगा और आपका फोकस ओवरऑल इंप्रूव होगा, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इंप्रूव होगी, आपका रूटीन इंप्रूव होगा, और जब वो होगा तो फिर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा कि नहीं सीए भी बनना ही है, सीए भी बनना ही है। जब वो आ जाएगा ना तो आज नहीं तो कल पास हो ही जाओगे, राइट। तो गाइज आज का टेक अवे ये है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीए के साथ भी एक छोटा सी एक्टिविटी जो आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकती है जिसमें आपको मज़ा आता हो वो करो, और उसको छोटे टाइम के, कम टाइम के लिए करो, है ना। तभी आपका जो सीए की पढ़ाई है और सीए स्टडीज़ है वो भी आप धीरे धीरे इंप्रूव कर पाओगे और उसमें भी बेटर हो पाओगे, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये सब वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाले हैं, आप कमेंट्स में बताओ आप क्या चाहते हो। हमारी टीम बहुत सारे लोगों की है, हम सीएस हैं, आप सीएफए हैं, एमबीए है, एमटेक है, आपके लिए वीडियोज बनाएंगे, आप बस कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।